64 में से पांच प्रमुख अंग हमारा देह बोले नहीं नहीं पांच अंग भक्ति के अंग नाम कीर्तन साधु संग भागवत श्रवण और मथुरावास श्री विग्रह सेवा ठीक है पांच याद है सबको और पांच फैक्ट भागवतम के दस विषय तो अब कहीं इसको बताना नहीं है दस क्योंकि जहां इसको बताएंगे वो पूछेगा पोषण माने पूछेगा कि नहीं पूर्ति माने डिटेल तो पूछेंगे ना तो आज अंतिम है मैं एक एक लाइन में सब बताता हूँ ठीक है सर्ग माने जो भगवान ने सृष्टि करी विसर्ग माने जो द्वितीय सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी फिर सर्ग सब स्थान हर जीव के लिए भगवान ने भी स्थान दिया अपने भक्तों पर भगवान स्पेशल कृपा करते हैं उनको अगर गलत कुछ हो जाए तो सुधारते हैं उनको वापस रास्ते पर लाते हैं कहीं किसी भक्त को भी इसकी कहीं उसकी पुरानी याद वापस दिला के कैसे भी करके उसको भगवान अच्छा करते हैं और पूति जो पुरानी भावनाएं हैं मानस मन में जो पुराने इम्प्रेशंस हैं इम्प्रेशन में ना पहले से जो मन में छपा हुआ है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी होता है तो उस अच्छे या बुरे जो भी मन में पहले से है उसकी वजह से आज हमारे जीवन में कुछ चीजें हम करते हैं है ना उसे कहते हैं मूर्ति फिर धन्वंतर सरकार का वर्णन है ना एक दिन में ब्रह्मा के 14 मन होते हैं एक मन के समय में 6 पद होते हैं उनमें उसका वर्णन और ईशान के भगवान के भक्तों की छोटी छोटी सी कथा है नवम स्कंद की और आश्रय भगवान कृष्ण का पूरा जो दशम स्कंद आश्रय और विरोध प्रलय के बारे में मुक्ति कैसे व्यक्ति अपना इन सब से छूट के मुक्ति पा सकता है ठीक है फिर 6 प्रश्न भागवतम के जिनसे शुरू हुआ इस सब का उद्धार कैसे होगा एक समस्त ग्रंथ का सार अरे वाह और भगवान और एक कॉमन प्रार्थना जो सब लोग कर रहे हैं तो प्रार्थना हर भक्त जब कर रहे हैं हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति प्रार्थना हरे कृष्ण सत्संग भक्त का संग चाहिए अच्छा तो कल हमने 11वें स्कंद में जो प्रथम भाग है कि 11वें स्कंद में जब नारद जी द्वारका में गए और द्वारका में उन्होंने देखा वसुदेव जी को मिले वसुदेव जी से उन्होंने कहा कि हमने जो है भगवान की भक्ति नहीं करी तो वसुदेव जी से हरे राम हरे
इम्पोर्टेंट बात जो कल बताया था किसी ने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट हाँ हरी नाम हरी नाम करो घी डालने वाला जो और आहुति क्या है घी क्या है जो नाम हम बोलते हैं आंखी लिपते हैं बाद में आंखी लिपते हैं तो जब द्वारका में भगवान रह रहे थे उस समय एक दिन वहां पे नारद जी आए ग्यारह वर्ष का यहाँ से शुरू होता है नारद जी आए और नारद जी से वसुदेव ने ये प्रश्न किया कि भाई हम तो भक्ति कर ही नहीं पाए हम तो उनको अपना पुत्र समझते रहे और बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से व्यस्त रहे हम कभी भक्ति नहीं कर पाए तो कैसे हमें क्या करना चाहिए और एक साधारण व्यक्ति को भी अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो उसे क्या करना चाहिए तो मुक्ति का वर्णन यहाँ आ रहा है ठीक है ना ग्यारहवें स्कंध में जो कि नौवा विषय है भागवतों का ठीक है तो इस बात का प्रश्न का उत्तर देने के लिए नारद जी कहते हैं कि ऐसा ही एक बार प्रश्न महाराजा निमी ने जो है नव योगेंद्र जब उनके राज्य में आए थे तो उनसे इस तरह से प्रश्न किए थे तो उसका उत्तर मैं आपको वही देता हूँ जो नव योगेंद्र ने महाराजा निमी को दिया था ठीक है तो महाराजा निमी यानी जनक ठीक है तो वही प्रश्न के उत्तर नौ प्रश्न थे नौ प्रश्न के नौ उत्तर हमने कल देखे थे है ना तो जिसका नौ प्रश्न महाराज निमी ने किए और नौ ऋषि हैं ये नव योगेंद्र माने नौ ऋषि हैं ये साथ साथ रहते हैं ऐसे भागवतों में कई लोग हैं जो साथ साथ रहते हैं हमेशा जैसे चार कुमार नव योगेंद्र दो अश्विनी कुमार दस प्रचेता ऐसे करके लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं तो इस तरीके से उन्होंने नौ लोग हैं कवि हवीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध प्रतिलायन आविरोध्रुमित चमस करभाजन तो जो नौवें हैं वो है करभाजन करभाजन जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था अंतिम प्रश्न का जहाँ पे हमने कल रोका था कि किस युग में भगवान की कैसे पूजा होती है भगवान का रूप क्या होता है और जो भगवान की पूजा की विधि क्या है तो उसी के उत्तर में उन्होंने बताया था तीनों युगों के बारे में और कलयुग के बारे में बताया था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं जिनका रंग और होता है ना जो कि कृष्ण ही है पर कृष्ण उनका रंग नहीं है उनका रंग है गौर है ना तो और उनको पूजा करने की विधि क्या है कीर्तन संकीर्तन यज्ञ को संकीर्तन को यज्ञ क्यों कहा गया इस पर भी हमने चर्चा किया था और इसके बाद जो है आज की कथा में हम ग्यारहवें स्कंद के दूसरे भाग में जाएंगे जिसमें भगवान अब यहाँ से आज का शुरू है ठीक है तो भगवान कृष्ण से मिलने एक बार सभी देवी देवता आए और उन्होंने कहा भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान और हम तो हमने आपसे प्रार्थना की थी ठीक है बैठ गए आप लोग भगवान से शुरू करने सुनेंगे तो फिर आगे समझ लगे कि चल क्यों रहा है नया सेक्शन चालू हो रहा है इसे तो सभी देवी देवता जिस तरीके से जब पृथ्वी माता पर कष्ट बढ़ गए पापियों का भार बढ़ गया तो पृथ्वी माता की प्रार्थना से सभी देवी देवताओं ने क्षीर सागर के पास जाकर प्रार्थना करी थी भगवान से करी थी कि नहीं करी थी है ना याद आ रहा है किसी को तब तो भगवान ने कहा था ठीक है हम आएंगे
सबका उद्धार करेंगे, धरती से भार कम करेंगे। तो जब भगवान ने ये बोला था, तो जब भगवान अवतार लिए थे तब सब आए थे जेल में, ये भी बताया था है ना, सब जेल में आए थे, सबने भगवान से कहा था भगवान आप सत्य हैं, आपने जो प्रॉमिस किया था आपने पूरा किया, आप आए हैं, आपने हमारी रक्षा के लिए जो वादा किया था आप निभाने आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ना। तो आज जब सब लीलाएं हो गई हैं तो आज फिर सब लोग आए हैं, तो सब लोग कहते हैं भगवान अब आ जाओ करके तो बुला सकते आसानी से है कि नहीं। गेस्ट को आ गया है वो जा नहीं रहा है तो कैसे बोलेंगे इसको, तो अतिथि तुम कब जाओगे है? तो भगवान से कहते हैं सब लोग कि भगवान हम आपको बहुत धन्यवाद बोलते हैं, आपने हम आपके बड़े आभारी हैं, हमारे कहने पर आप आए, आपने हमारी रक्षा करी, पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करी, समस्त दुष्टों का नाश किया है ना। तो अगर तो जो हमारी प्रार्थना थी आपने पूरी तरीके से पूर्ण की है, और जो आपने प्रॉमिस किया था पूरी तरीके से आपने पूर्ण किया है, हम आपके आभारी हैं। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे तो नहीं कह सकते भाई आपका हो गया जगह खाली करो, तो बोल नहीं सकते भगवान से है ना। तो ये तो भगवान आपकी अगर आपकी इच्छा हो, पर हमने जो आपसे विनती की थी, जो आपसे मदद मांगी थी वो पूरी होगी, हम बहुत संतुष्ट हैं, हम आपके आभारी हैं, अब आपकी जो इच्छा है आप करें। तो भगवान भी कहते हैं कि हाँ ठीक ही है, और मैं भी मेरी भी इच्छा है कि अब धरती पे जो लीलाएं उनको यहाँ पे विराम देके अपने नित्य धाम की तरफ मैं जाऊँगा। तो इस तरह से जो बातचीत हुई, इस बातचीत को किसने सुन लिया, उद्धव ने। तो उद्धव को लगा कि अब तो भगवान चले जाएंगे, तो जब भगवान चले जाएंगे तो मैं यहाँ पे बिना भगवान कैसे रहूंगा। तो उद्धव भगवान से बहुत प्रेम करते थे मित्र के रूप में, तो उद्धव ने कहा ये तो मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा भगवान के बिना। तो उद्धव जी भगवान के पास गए और कहते हैं कि भगवान ध्रुव की कथा हो गई, आप आए नहीं उस दिन। तो भगवान कहते हैं उद्धव से कि उद्धव कहते हैं कि अब हम कैसे रहेंगे, हमने सुना कि आप जा रहे हैं है ना, आप जाने का प्लान कर रहे हैं, कैसा ही बात है ना। तो भगवान कहते हैं कि हाँ समय हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लीलाओं का मेरी शिक्षाओं का लेकर और आप जाए बद्रिकाश्रम, और वहां पे जो संत हैं ऋषि मुनि उनको मेरा संदेश दे। किसने कहा, कृष्ण ने, किससे, उद्धव जी से, ठीक है। तो उद्धव जी बोले नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर ही रहूंगा आपके साथ है ना, जहां आप जाओगे मैं वहीं जाऊंगा। तो इतना प्रेम था कि वो आज्ञा भी नहीं मानना चाह रहे थे, ये प्रेम का मतलब जो ज्यादा जब प्रेम हो जाता है तो उसमें अधिकार बनाते हैं भक्त है ना, अधिक प्रेम में अधिकार हो जाता है। तो इसलिए तो जो राधा रानी जो बोलती है कृष्ण को वही करना पड़ता है ना, तब कृष्ण नहीं कह सकते हम सर्वस्व पर हो, तब नहीं कह सकते ना। तो फिर उद्धव को भगवान ने समझाया, उद्धव गए बद्रिकाश्रम की तरफ निकले। तो जब बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे तो फिर उनको वियोग, कृष्ण का वियोग उनको सहा नहीं गया, तो रास्ते से ही लौट आए। जो लौट के आ रहे थे तो तब तक इधर भगवान उनको रास्ते में ही मिल रहे, पेड़ से टिके हुए बैठे हुए थे, आपने देखा होगा वो फोटो है ना, भगवान पेड़ से टिके हुए बैठे हैं, और उद्धव जी वहाँ भगवान को मिल जाते हैं, और फिर वहाँ पर उद्धव को भगवान से कहते हैं कि हम रह ही नहीं पाए आपके बिना, आगे बढ़ ही नहीं पाया मैं, इसलिए मजबूरी में मैं वापस आ गया, मैं क्या करूँ, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता, मैं आपकी आज्ञा पालन करने जा रहा था बद्रिकाश्रम, तो क्या करूँ, आना पड़ा। तो भगवान उनका भाव समझते थे, इसलिए भगवान ने कहा चलो कोई नहीं थोड़ी देर और रुको,
और वहां पे भगवान ने उद्धव को जो है क्या सुनाया, संदेश जिसे कहते हैं उद्धव गीता। तो उद्धव गीता में बहुत सारे प्रश्न उद्धव ने किए, लगभग 20 प्रश्न है ना। तो वही इसमें क्रम से जैसे गीता में है ना, शुरुआत वहीं से होती है कि जीव का कल्याण कहाँ से होगा, है ना, तो बताएंगे भक्ति करने से। वही सिमिलर जो आपने देवती कपिल संवाद में सुना है ना, तो फिर बताएंगे कि भक्ति करने से, तो कहेंगे अच्छा भक्ति में सबसे मेन चीज क्या है, अपने भक्तों का संग, तो भक्तों के संग में क्या करना चाहिए, तो तीन तरह के भक्तों के लक्षण, इस तरीके से सब चीज बताएंगे। लेकिन शुरुआत होती है कि उनको वैराग्य की शिक्षा देते हैं, तो कहते हैं कैसे किया जाएगा, तो एक अवधूत की कथा सुनाते हैं जो कि जंगल में ऐसे घूमता रहता है। अवधूत माने होता है बस ऐसे ही घूमता रहे, कोई किसी से कोई परवाह नहीं कुछ नहीं। तो इस अवधूत की कथा सुनाते हैं कि इस अवधूत के 24 गुरु थे। तो ये हर गुरु, 24 गुरु उन्होंने किसी भी चीज से कुछ तो सीखा इसने, तो सबको अपना गुरु मानता था। कितने गुरु माने इसने, 24 गुरु। तो पृथ्वी से उसने सीखा सहन करना है ना, और पृथ्वी अपने ऊपर कितना सहन करती है, बड़े बड़े पहाड़ों का वजन, ये हमारे जैसे पापियों का वजन, पता नहीं क्या क्या लोग देखो आज पृथ्वी पर खोदते जा रहे हैं, अंदर घुसते जा रहे हैं, है ना, पृथ्वी सब सह रही है, ठीक है। और फिर इस तरीके से जो है जल से सीखा कि कैसे हम अपने संग से दूसरों को शुद्ध कर सकते हैं ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से मेन मैंने बता दूंगा आपको, है ना। इन्होंने जो है समुद्र से ये सीखा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से आप देखते हैं समुद्र में कितनी भी नदियां आ जाएं मिल जाएं, लेकिन समुद्र कभी उफान नहीं आता है कि नहीं, और कितना भी कुछ हो जाए उसका पानी भी कम नहीं होता, बराबर रहता है। तो कहते हैं इस तरह से अवधूत कहता है कि मैंने जीवन में सीखा कि चाहे कितनी भी खुशियां आ जाए, कितना भी अच्छा हो जीवन में, लेकिन कभी ज्यादा उत्साहित नहीं होना, अपने को घमंड नहीं फील करना, अपने को उफान पर नहीं आना, गर्वित नहीं होना, और कितना भी दुख आ जाए जीवन में निराश नहीं होना। किससे सीखा, समुद्र से। कबूतर से सीखा कि जरूरत से ज्यादा भौतिक बंधनों में रहना, शारीरिक बंधनों में रहना, पारिवारिक बंधनों में रहना आपको फंसवा सकता है, मरवा सकता है। इसके बाद पतंगा जानते हैं आप लोग, पतंगा जानते हैं, आप जब लाइट जलती है तो छोटे छोटे से कीट पतंगे आके उस लाइट के पास आते हैं और बाद में उसी लाइट में मर जाते हैं। उसको पता है कि मैं इस लाइट से मरूंगा, पर फिर भी उसके पास आता है कि नहीं, है ना। तो उससे उन्होंने सीखा कि जो इंद्रिय भोग में मृत व्यक्ति का पतन निश्चित है, और जो उस इंद्रिय भोग के प्रकृति को नहीं समझता उसका उस पतंगे की तरह क्या होता है, विनाश होता है। वो उसी जिस तरह से पतंगा उस आग में, उसको लगता है कि वो एंजॉय कर रहा है लेकिन वो उसी आग में मरता है, इसी तरीके से वो व्यक्ति जो इंद्रिय भोग में इंद्रियों की संतृप्ति के लिए ज्यादा उत्साहित रहता है, समझता नहीं कि इससे उसका पतन होगा, वो उसी पतंगे की तरह उसमें मर जाता है, ठीक है। फिर भौरा और मधुमक्खी, भौरा जानते हैं आप लोग, भ्रमर, गिंग गिंग ऐसे साउंड करके, देखा गिंग, देखा आजकल के बच्चों ने, देखा है ना। तो उससे उन्होंने सीखा कि जो जो विरक्त किस्म का व्यक्ति है, साधु है, उसको एक एक जगह से थोड़ा 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 मांग के खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा,
इसे कहते हैं मधुकरी, इसीलिए इसको कहते हैं मधुकरी, है ना। मधुकर कौन होता है? मधुकर माने भंवरा। भंवरा क्या होता है? एक एक फूल पे थोड़ा थोड़ा जाके रस लेता है। ऐसे जो साधु है उनको थोड़ा थोड़ा सब जगह से थोड़ा थोड़ा मान के और आगे बढ़ते रहते अपना निवारण अपना जो है भरण पोषण करना चाहिए। और मधुमक्खी से उन्होंने ये सीखा कि जिस तरीके से मधुमक्खी माने जो साधु है उसको ज्यादा संचय करने की जरूरत नहीं है, है ना। जरूरत से ज्यादा संचय मत करो, है ना। क्यों? ज्यादा ज्यादा बटोरोगे एक दिन कोई आके लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मधुमक्खी के साथ ऐसे होता है ना, मधुमक्खी कितना भर लेती है उसके अंदर, है, और एक दिन कोई आके लेके जाता है, है ना। तो जो मधु चोर है, मधु चोर कौन है? जो उस मधु को लेके चुरा के ले जाता है शहद को, वो भी उनका गुरु है। उससे उन्होंने क्या सीखा? उससे उन्होंने सीखा कि ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, दूसरे लोग करेंगे। जो साधु है, जो विरक्त है, जो सन्यासी है, उसको ये सीखना है मधु चोर से कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना मधुमक्खी की जैसे, लगे पड़े हैं भर रहे हैं अपना भंडार, तुमको कुछ नहीं। उनका जो वो मेहनत से कर रहे हैं ना, उससे तुम्हें अपना काम चलाना है, उसको उससे खाना है, समझा। साधु को क्या करना है? साधु को अपनी मेहनत नहीं करना। क्यों? इतने लोग मधुमक्खी की तरह भर रहे हैं अपने भंडार, जितनी उन्हें जरूरत नहीं, तो उस एक्स्ट्रा वाले को आप चुरा लो। चुरा लो माने साधु जाता है और वही उनका भोग करता है, तो समझ रहे हैं। तो साधु को दे दो, है ना, साधु की सेवा में लगा दो, भक्तों की सेवा में लगा दो। नहीं तो क्या होगा? वो मधु चोर चुरा के लगी जाएगा, समझ रहे हैं। अजगर से उन्होंने सीखा कि अजगर क्या करता है? एक जगह पड़ा रहता है, जो आ गया ले लो, नहीं आया भगवान का भजन करो। नहीं आया इसके लिए भटको मत, अपनी जगह रहो, भगवान में मन लगाओ, जो आ जाए स्वीकार कर लो, जो नहीं आ रहा है टेंशन नहीं, किसका भजन करो? कृष्ण का, ठीक है। फिर सूरज से उन्होंने सीखा कि देना सीखो, लेना मत सीखो, क्या सीखो? देना सीखो। जितना ज्यादा दूसरों को दे सकते हो दो, बिना किसी आशा के। सूरज हमसे कोई आशा रखता है क्या? प्रभुपाद जी क्या करते थे कि अगर जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, इस तरह से अगर सूरज का बिल भरना पड़ जाए ना, तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो सूरज बिना हमसे क्या आशा रखता है? कोई आशा नहीं रखता, पर फिर भी सबको देता है, नहीं। उसके बाद चंद्रमा से क्या सीखा? चंद्रमा से उन्होंने सीखा कि ये जो शरीर है, ये पहले बच्चा रहेगा, फिर जवान होगा, फिर वृद्ध होगा, ये शरीर में कई परिवर्तन आएंगे, इससे भ्रमित नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी में परिवर्तन है। चंद्रमा में होता है ना, चंद्रमा की कलाओं में होता है। तो इस तरीके से जो है हनी हो गया, मधु का चोर का हो गया। फिर हिरण, हिरण से उन्होंने सीखा कि ये जो हिरण क्या होता है कि वो आता है ना बांसुरी बजाता है, उस बांसुरी के साउंड से हिरण भ्रमित वो आकर्षित हो जाता है और उसकी तरफ खींचा जाता है, और वो शिकारी बांसुरी बजा के हिरण को बुला लेता है और फिर मार देता है। तो उनसे सीखा कि जो भौतिक जगत का जो संगीत है ना, I'm sorry, उसमें लिखा है इसलिए बता रहा, आजकल तो भौतिक जगत का ही सुनते हैं वैसे, मतलब जो भौतिक जगत का संगीत है वो आपको ऐसे ही मरवा देगा, वो आपको आकर्षित करेगा, और माया जब उसमें हम पूरी तरह उसके पास आ जाएंगे तो माया शिकारी के रूप में तीर से मैं क्या कर देगी। इसके बाद मछली से उन्होंने सीखा कि जो मछली अपनी जिह्वा पे, मछली क्या करती है?
मछली को वो कुछ खाने का चीज लगा के तो नीचे डालते हैं नेट में, है ना, और उस खाने की इच्छा से कुछ अच्छा खाने को मिला है उसके चक्कर में फंस जाती है और मर जाती है। अगर उसको अपनी जीभ पे कंट्रोल हो तो बच जाएगी, है ना, जो समझ में आ रहा है। तो जो व्यक्ति मछली से उन्होंने सीखा कि हमें अपनी जीवा पे कंट्रोल रखना है, जीवा के बेग से भागेंगे तो हम फंसेंगे और मरेंगे, है ना, उसी तरीके से जैसे वो मछली को कुछ खाने का लालच दे के फंसाता है और फिर उस मछली को ही खाता है, ठीक है नहीं। इस तरीके से जो है उन्होंने कई तरह के, इसी में एक कथा आती है, पिंगला नामक एक वैश्या थी जिसको उन्होंने अपना गुरु समझा। क्यों, ये जो पिंगला नाम की जो वैश्या थी ये पूरा टाइम अपना वैश्यावृत्ति में रहती थी। तो एक दिन इसने रोज की तरह अपना सज धज के शाम को जो है अपना गेट पे खड़ी हुई थी कि कोई आएगा ग्राहक, तो उस चक्कर में खड़ी रही और उस दिन कोई नहीं आया। तो बहुत देर तक इंतजार किया तो परेशान हो रही थी, है ना, तो फिर और समय होता गया और इंतजार करती रही, फिर रात भी हो गई तो इतने परेशान हो गए कि परेशानी में ना बिल्कुल झल्ला के घर के बाहर खड़ी थी, बाहर से अंदर जाती थी, अंदर से बाहर जाती थी, अंदर से बाहर से पूरा, है ना, फिर और समय बीतता गया पर कोई नहीं आया उस दिन। तो जब उस दिन कोई नहीं आया तो उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि ये अपने आप में बिल्कुल ही विरक्त हो गई, अपने आप इसको विरक्ति आ गई कि ये सब बेकार है, कहां मैं शरीर के बंधन में फंसी हुई। इसको अपने आप अंदर से यह आया कि मैं कहां ये शरीर की उसमें फंस गई हूँ, शरीर शारीरिक भोग में, है ना, रोज अलग अलग तरह के पुरुष आके मुझे भोगते, मेरा ये जीवन कैसा है, समझ आ रहे। पिंगला को क्या लगने लगा कि ये सब बेकार है, रोज रोज रोज, फिर अंत में मेरा क्या होगा, एक दिन जब ये शरीर मेरा पूरा हो जाएगा। आप लोगों को याद है यहाँ मैंने एक दिन मीना कुमारी की कथा सुनाई थी, किसको याद है आपके पास मीना कुमारी की कथा, मैंने बताया था याद नहीं किसी को, मीना कुमारी कौन थी, हीरोइन। तो पिंगला को ये चीज समझ में आ गई, प्रभु जी कह रहे कि मीना कुमारी तो शॉर्ट में बताता हूँ, मीना कुमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत सुंदर उस समय में, मेरे समय में नहीं और पहले समय में, मेरे पिताजी के समय में, याद आ गया। तो उसको इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जब वो उसको और उसके जितने रोल मिलते थे तो वो सब रोने वाले रोल मिलते थे, है ना, तो उसको ट्रेजेडी क्वीन बोलते थे, समझा रहे। तो मीना कुमारी तो मीना कुमारी का क्या था कि सब लोग उस पे आकर्षित रहते थे, इतनी फेमस एक्ट्रेस हो गई वो। तो जब एक्चुअली जब वो पैदा हुई थी ना तो उसके पिता नहीं चाहते थे कि लड़की क्यों हो गई, तो उसने क्या किया, उसके पिता ने उस लड़की को जो पैदा हुई उसको उठा के कूड़े के उसमें फेंक के आए, और जब कचड़े में उसको फेंक आए तो रात भर उसका पिता सो नहीं पाया, क्यों, अपनी खुद की पेट, पहले तो उसको लगा कि लड़की हो गई तो कचड़े फेंकाया, फिर उसको लगा यार ये अच्छा नहीं है, रात भर इसमें सोचता रहा, सुबह लेके आया, तो जब सुबह लेके आया तो उस अभी ना बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा है तो कीड़े वीड़े उसको खा रहे थे कूड़े के ढेर में, है ना, तो उसको बड़ा दुख हुआ, लेके आया फिर उसको पालन पोषण किया, वो बड़े होके इतनी सुंदर हुई और फिर एक्ट्रेस बन गई।
तो इतनी फेमस एक्ट्रेस बन गई कि जो उस समय के बहुत बड़े डायरेक्टर थे कमाल अमरोही, उन्होंने उससे शादी किया जबकि वो उससे डबल एज के थे, फिर भी विवाह किया है ना। और उसके बाद वो उन्हीं की फिल्में करती थी, है ना। तो उसके एक समय क्या हुआ कि कुछ बड़ा एक फिल्म आई थी पाकीजा, है ना, याद है। तो उसकी होता क्या है फिल्म इंडस्ट्री में, जो बड़ी फिल्म आती है कोई तो बड़ा पार्टी होती है, बड़े मिनिस्टर मिनिस्टर बड़े बड़े लोग आते हैं। तो उस बड़े बड़ी पार्टी में कोई मिनिस्टर आया था, तो उसको जो लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, आइए आइए ये हैं फिल्म इंडस्ट्री की सबसे विख्यात एक्ट्रेस मीना कुमारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाय मेरे फैंस। तो और फिर नेक्स्ट ईयर बोलते हैं और ये है उनके हस्बैंड कमाल अमरोही। बस कमाल अमरोही का ईगो वहीं हर्ट हो गया, क्यों? अरे मीना कुमारी से शादी के पहले कमाल अमरोही की अपनी पहचान थी, अब वो ये जाने जाते हैं कि मीना कुमारी के पति हैं। कमाल अमरोही इंडस्ट्री में पहले से और ये अभी आई हैं, तो बस उस दिन से उनके बीच में खटास हो गई है। वही मीना कुमारी जो इतनी सुंदर थी, एक बार मध्य प्रदेश के किसी एक रूरल एरिया में शूटिंग चल रही थी, तो उस समय डाकुओं का जमाना हुआ करता था, आपने सुना है चंबल की घाटी, कितने लोग गए वहाँ? सुना है, मैं गया हूँ कई बार, क्योंकि हमारे घर जाते हैं ना दिल्ली से, तो चंबल ट्रेन चंबल से ही जाती है, खतरनाक है। अब तो फिर भी ठीक है, वो देखने से डर लगता है। तो उसमें बहुत डाकू होते थे, तो वो डाकू लोगों ने, डाकुओं को पता है कि जो फिल्मी लोग हैं इनके पास खूब पैसा होता है, तो किसी ने बताया कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही, सब डाकू ने अटैक कर दिया। और वहाँ जाकर देखा तो सब घुस गए एक एक टेंट में, और जो कुछ पैसा ऐसा था सब, है ना। अब फिल्म की शूटिंग चल रही तो खूब पैसा होगा, लड़कियाँ भी होंगी, तो डाकू एकदम से अटैक कर दिए। तो एक टेंट में जब एक डाकू का चेला एक में गया, तो देखो वहाँ मीना कुमारी बैठी हुई थी। तो एकदम से आया, उसने सरदार को बताया, सरदार मीना कुमारी। तो सरदार जब अंदर आया तो सरदार बिल्कुल उसको देखने लगा, और सरदार ने एकदम से अपना चाकू निकाला, बड़ा वाला, फिल्म में देखा बड़ा चाकू रहता डाकू के पास, ऐसा टेढ़ा सा ऐसे कर निकाला। और मीना कुमारी तो बिल्कुल से डर गई थी, डाकू पहले देखा तो खाली शूटिंग में सब बढ़िया है, रियल लाइफ में तो डर लगता ही नहीं, तो बिल्कुल डर गई वो। और वो सरदार धीरे धीरे आया, उसके सामने से चाकू लगा दिया और उसके हाथ में चाकू दे दिया, और कहता है तुम्हें जो करना है करो, ऐसा इतनी सुंदर थी। और जब इस तरीके से फिर जब उनके उनका उनके हस्बैंड का झगड़ा हो गया, तो बाद में उसे फिल्में भी कम मिलने लगी, और बाद में नेचुरली है ना, कितनी भी फेयर एंड लवली लगा ले हम, बूढ़ा तो होना है। तो एक स्थिति ये आई कि मीना कुमारी वही सुंदर जब शूटिंग हुआ करती थी, ट्रेजेडी क्वीन थी वो, रोने वाले सीन ज्यादा मिलते थे, तो जब वो रोती थी तो उसका जो आंसू गिरता था तो लोग उसे ना डब्बे में रख लेते थे, मीना कुमारी का आंसू अपने घर में, मजाक ऐसा होता था पहले। उस समय क्रेज था फिल्मों का अजीब, है ना। तो वही मीना कुमारी जिसका इतना क्रेज था, अपने जीवन के अंत समय में, बाद में उनका तलाक हो गया, जीवन के अंत समय में वो हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी और कोई नहीं रहता था उसको एक दवा खिला दे, और उसी हॉस्पिटल में पड़े पड़े एक दिन वो मर गई। और एक व्यक्ति सामने नहीं आया कि मीना कुमारी का संस्कार कर दे, कोई नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने खूब फोन करे, सबको करे, कोई नहीं आया, जितने वो आंसू लिए घूमते थे कोई नहीं आए। शरीर वही था मीना कुमारी का, बदबू मारने लगा था, कोई नहीं आया वहां पर, समझ रहे हो। और बाद में जब कोई नहीं आया तो पुलिस वालों ने और डॉक्टरों ने मिलके चंदा वंदा करके उसका अंतिम संस्कार करवाया। ये है जीवन की सत्यता, ऐसे करके आपको हजारों केस मिलेंगे। तो पिंगला जो थी उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं ये कहाँ फंसी हुई, रोज रोज नए नए पुरुषों के साथ संघर्ष, सब क्या है।
अचानक उसको इस तरह का भाव आ गया और उसने तुरंत के तुरंत जो है कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान अर्पित कर दिया। तो इस तरह से पिंगला जो है भगवान की भक्त कहलाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। और इसके बाद फिर उद्धव जी के आगे प्रश्न है, भगवान समस्त जीवों कल्याण के लिए क्या मतलब भक्ति, भक्ति में मेन चीज भक्तों का संग, भक्तों के संग में मेन चीज अपराध से बचें। और इस तरह से वो कहते हैं अच्छा मुझे भक्ति तो समझ में आ गया, तो और विधियां क्या है, तो ज्ञान कर्म योग ये सब के बारे में बताया। इस तरीके से अष्ट सिद्धियों के बारे में भी पूछा है ना, और भगवान की विभूतियों के बारे में पूछा, जिसमें भगवान के गुणों के बारे में, अवतारों के बारे में, वही चीज बार बार आती है। ठीक है, फिर कर्मी लोगों के लिए क्या है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन किया कि जो जिसका जैसा नेचर है ना, जिसकी जैसी प्रकृति है उस हिसाब से काम करना चाहिए। वर्णाश्रम को जनरली लोग गलत समझते हैं, कहते हैं कि भारत में ये वर्णाश्रम नहीं सारा बेड़ा कर रखा है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम गीता में भी भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, चार वर्ण किसने बनाए हैं, मैंने बनाए हैं, कैसे गुण और कर्म के हिसाब से विभागशा विभाजन, चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण, चार आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो चार वर्ण का विभाजन कैसे हुआ है, गुण और कर्म के हिसाब से, है ना। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, मिश्रा जी का बेटा मिश्रा जी बन गया, ऐसे कैसे है ना। तो भागवतम में ऐसे कई उदाहरण हैं। भागवतम किसने लिखी, वेद व्यास जी ने, किसके पुत्र थे, सत्यवती के, सत्यवती कौन, मछुआरे की बेटी। ठीक है, भक्ति के आचार्य कौन, नारद, नारद किसके बेटे, दासी के। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने, वाल्मीकि कौन, चोर, है ना। तो सारे बड़े बड़े लोग, और भगवान राम ने विश्वामित्र से शिक्षाएं ली, विश्वामित्र भी पहले क्षत्रिय थे फिर ब्राह्मण बने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। तो बताते हैं कि ये गुण और कर्म के हिसाब से होता है वर्णों का विभाजन। और चार आश्रम, पहले ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम का सीधा मतलब होता है शिक्षा ग्रहण, है ना। तो गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे उसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के बाद वो गृहस्थ आश्रम में जाता था, और अगर चाहे तो सीधे संन्यास में जा सकता है, दो आश्रम को स्किप करके सीधा संन्यास भी ले सकता है, गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। गृहस्थ आश्रम दूसरी सीढ़ी है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम माने आप समझ लीजिए कि 20-25 साल से 45-50 साल तक उसमें आप अपनी गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लें, बच्चों की शादी जो कुछ भी घर वर बनाना सब कर लें, और 50 के बाद आप जो है भगवान की भक्ति का अभ्यास करें, उसे कहते हैं वानप्रस्थ, जो घर में रह के हो जाता है। कभी लोग अपनी पत्नी के साथ तीर्थों में घूम के, जंगलों में घूम के भी वानप्रस्थ करते हैं। और उसके बाद फोर्थ सीढ़ी होती है संन्यास। संन्यास का सीधा मतलब है कि पूर्णतया से भगवत भक्ति में लगना, भगवान की भक्ति का प्रचार करना, और अपने पुराने घर पत्नी से कोई मतलब नहीं, है ना। दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ने संन्यास ले लिया गुरु जी, दोनों लोगों ने, दोनों जा रहे थे, संन्यास ले लिया, घर से निकल गए, जा रहे थे, तो एक वाला ना थोड़ा टेंशन में था, तो दूसरा बोला किस बात की टेंशन, बोला ना मुझे याद नहीं आ रहा घर का ताला लगाया कि नहीं लगाया, संन्यास ले लिया, अभी ताला लगाया नहीं लगाया क्या फर्क पड़ता है। तो पूरी तरह से व्यक्ति, तो इस तरीके से चार वर्ण चार आश्रमों का भी वर्णन किया। और इसके बाद जो है जो भक्त है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भक्ति में सहायक होता है। वर्णाश्रम धर्म भक्ति
नहीं है, समझ आ गया? ये भक्ति में सहायक है, ये भक्ति नहीं है, ठीक है? और जो भक्त बन गया वो इन सबसे ऊपर है ना? जो शुद्ध भक्त है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास इन सबसे ऊपर हो। इस तरीके से उद्धव जी के आगे प्रश्नों का उत्तर देते हुए फिर जो है भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में, पुरुष और प्रकृति के भेद के बारे में बताया गया कि प्रकृति जो है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, है ना? प्रकृति पुरुष के आनंद के लिए है ना? ये पूरा प्रकृति किसके लिए है? एक बार एक व्यक्ति ने आके प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि संसार भगवान ने क्यों बनाया? प्रभुपाद जी कहते भोग के लिए, खुश हो गया, तुम्हारे नहीं उनके अपने भोग के लिए। तो ये किसके भोग के लिए है प्रकृति? भगवान के भोग के लिए। तो जो कुछ भी इस प्रकृति में आता है वो किसके भोग के लिए है? आनंद के लिए है, कृष्ण के आनंद के लिए, ठीक है? तो अगर इस प्रकृति से प्राप्त कोई भी चीज हम अपने आनंद में यूज करते हैं तो इसे कहते हैं अपराध, है ना? यही हम फंसते हैं। कृष्ण के आनंद के लिए चीज थी और उसे हमने अपने आनंद में लगाया, सुना? तो प्रकृति पुरुष माने कृष्ण, गोविंदम आदि पुरुषम, पुरुष जब शब्द आता है तो कृष्ण के लिए है, है ना? तो पुरुष यानी गोविंद कृष्ण इनके आनंद के लिए क्या है? प्रकृति है, ठीक है? तो प्रकृति में हमें फल फूल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, मिठाइयां मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, तो हम ये अपने आनंद में नहीं लगा सकते, इसीलिए हम लोग इन्हें सीधे नहीं खाते, चाहे वो आम हो, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, स्वीट हो, रोटी हो, साग हो, कुछ भी हो, इसको हम सीधे नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि अगर हम सीधे खाएंगे तो अपने आनंद को ले रहे हैं, जबकि किसके आनंद के लिए था? भगवान के आनंद के लिए। तो हम क्या करते हैं? पहले भोग लगाते हैं फिर हम उसे खाते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने घर में एक आम खा लिया,